और ये उम्मे सलमा जो है ये बड़ी शान वाली औरत थी रज़ी अल्लाह अन्हा, यानी जो हुजूर की बीबियों में दो जमातें बनी हुई थी ना, तो एक जमात की सरदरा बीबी आयशा थी तो दूसरी जमात की सरदरा बीबी उम्मे सलमा थी रज़ी अल्लाह अन्हा, यानी इतना मर्तबा था इसमें। और ये बीबी सलमा थी जिसने मकाम हुदैबिया पर हुजूर को मशवरा दिया था, यानी औरत होकर हुजूर को मशवरा दिया, इसलिए इस्लाम हमें मना नहीं करता है कि औरत से मशवरा न लो। बाज़ औकात बीवियां बड़ी बड़ी आलिमा होती हैं, फाजिला होती हैं, आकिला होती हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का से सुलह हो गई, हजूर ने हुक्म दिया भी जिसके साथ जानवर हैं वो दमे एहसार जो है ज़िबह करें और उसके बाद अपने सर पे उस तरह फिरवाए और एहराम खोल दे। फइन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हदी, हजूर को रोक दिया कुफार ने, हजूर ने हुक्म दिया भी अपने जानवर ज़िबह करो, दमे एहसार जो है वो दो और उसके बाद सर पे उसरा फिरवाओ, हल कराओ, हल के बाद एहराम खोलो। सहाबा बैठे रहे चुप, हजूर ने दूसरी दफा फरमाया सहाबा चुप, हजूर ने तीसरी दफा फरमाया भाई उठो जानवर दीपे करो, सर मुंडाओ, एहराम खोलो ताकि हम वापस मदीना शरीफ जाएं, सहाबा चुप। हजूर को बड़ा गुस्सा आया, हजूर परेशान हो गए और फौरन अपने खेमे में तशरीफ ले गए, और बीबी उम्मे सलमा के खेमे में गए तो उसने देखा और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, क्या वजह है परेशान? उन्होंने कहा उम्मे सलमा अजीब बात है कि मैं साहबा को हुक्म दे रहा हूँ, तीन दफ़ा हुक्म दिया, साहबा चुप करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा हजूर नाराज न हो, सहाबा आए थे उमरे के इश्क में, काबे के इश्क में, मक्के के इश्क और मोहब्बत में, और आपके ख्वाब को सुन के वो आए थे, वो इसलिए चुप बैठे हुए हैं कि शायद अब भी कोई अल्लाह का हुक्म आ जाए, कुरान की आयत नाज़िल हो जाए और हमें हुक्म मिले कि हर हाल में जाना है मक्के में, वो इस इंतजार में हैं। आप ऐसा करें कि आप जाके अपने जानवर ज़िबह कराएं और हज्जाम को बुला के अपने सर पे उस्ता फिरवाएं और आप एहराम खोलें, उनको कुछ न कहें साहब। जब हजूर आए और जानवर ज़िबह किया, बस साहब ने उन्होंने कहा जब हजूर ने दम भी दे दी है तो अब तो नहीं जाएंगे, आप मक्के नहीं जाएंगे, अब जाना है फौरन, हम सब ने उठ गया। तो ये मशवरा देने वाली भी बीबी उम्मे सलमा थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, के वरना हजूर अगर साहबा पे नाराज़ हो जाते फिर क्या होता, अल्लाह का नबी अगर नाराज हो जाए। लेकिन उन बीबी साहबा समझ गई कि वो इसलिए खामोश बैठे हैं कि शायद कोई अल्लाह का हुक्म आ जाए और हमें मक्का नसीब हो जाए। तो इसलिए हमेशा याद रखा करें कि एक तो अगर औरत आकिला है, आलिमा है, बात को अच्छा, बात औरतें यानी पढ़ी लिखी भी नहीं होती, देहात की औरतें होती हैं, लेकिन बड़ी रहीम समझदार होती, बड़ी बड़ी बिरादरी होंगे झगड़े जो है ना वो जाके खत्म करा देती है, उनको अल्लाह ने इतना अकल दिया हो। और ऐसी भी होती हैं जो जहां झगड़ा ना हो वहां जाके इंशाल्लाह आग लगा देती है, ऐसी भी तो है ना।